कुछ दिन पहले हमने सलीम लंगड़े पर मत रो फिल्म देखी थी। इस फिल्म में सलीम के पिताजी का किरदार बहुत सशक्त दिखता है। अपने बिगड़ैल बेटे को अच्छे मार्ग पर लाने का हर एक प्रयास वो किरदार करता है। ऐसे किरदार को निभाने के लिए उस स्तर का कलाकार भी चाहिए होता है, और दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले ने उसे बेहद ही खूबसूरत ढंग से निभाया है। वैसे हम विक्रम गोखले जी के बारे में बहुत सालों से जानते हैं, आज वे हमारे बीच नहीं हैं। उनका अधिकतम जीवन स्टेज पर गुजरा है। हिंदी से अधिक मराठी फिल्म उद्योग में उनका नाम मान के साथ लिया जाता है। आज उनकी मृत्यु के कारण फिल्म उद्योग में शोक का वातावरण है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हो मेरी यानी अनामिका की आवाज़ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। हमारा चैनल पहला प्लेटफॉर्म है जिसने भारत की पहली एक्ट्रेस कमलाबाई गोखले पर जानकारी दी थी। इसके पहले इनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इसके अलावा हमने ही बताया था कि वे विक्रम गोखले की दादी थी। अभिनय विरासत वाले परिवार में जन्मे विक्रम गोखले को एक्टिंग में कोई रुचि नहीं थी। 14 नवंबर 1945 में जन्म हुआ, पर उस वक्त उनका परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उनकी परदादी दुर्गाबाई कामत का निधन साल 1959 में हुआ था और 1942 में दादी कमलाबाई ने अभिनय की दुनिया से संन्यास लिया था। अब उनके परिवार में सिर्फ एक इंसान अभिनय से जुड़ा था, वे थे उनके पिताजी चंद्रकांत गोखले। चंद्रकांत गोखले का नाम सिर्फ ऐसे लोगों को पता होगा जिनका पूरा जीवन फिल्में देखते हुए बीता होगा। वे भी अपने जमाने के प्रसिद्ध बाल कलाकार और कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। आपने अनिल कपूर की लोफर फिल्म देखी होगी, उसमें जो बूढ़ा इंसान पहला वोट देने निकलता है उनका ही नाम चंद्रकांत गोखले है। इसके अलावा जितेंद्र की फिल्म सुहागरात में पंडित के किरदार में भी वे दिखाई देते हैं। चंद्रकांत गोखले के अन्य दो भाई भी थे। उनके सबसे बड़े भाई पंडित लालजी गोखले भारत के प्रसिद्ध तबला वादक थे। आज भी पंडित लालजी गोखले का नाम लिया जाता है। इस बड़े परिवार में चंद्रकांत गोखले और उनके बीवी बच्चों को आर्थिक गतिविधियों का सामना करना पड़ा था, पर इन परिस्थिति में भी चंद्रकांत गोखले और उनकी बीवी हेमावती ने पूरा घर संभाला और अपने तीन बच्चों की परवरिश की। दो बेटे और एक बेटी में विक्रम गोखले सबसे बड़े थे। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग में कोई रुचि नहीं थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वे इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सारी परीक्षाएं भी दी थी, पर क्योंकि वो घर के बड़े बेटे थे इसीलिए पैसा कमाने का जिम्मा भी उन पर ही था। पिताजी की मदद करने के लिए वे 135 रुपये महीना पगार पर एक कंपनी में बतौर क्लर्क जॉब करने लगे, पर मात्र एक हफ्ते में ही उन्होंने वो काम छोड़ दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें वो काम करना चाहिए जिसे वे पूरी तरह से न्याय दे सके। सोमवार को वे ज्वाइन हुए थे और शनिवार को रिजाइन देने के बाद शाम को घर आ गए। जिस दिन वे घर आए तब सौभाग्य से मराठी रंगमंच के प्रसिद्ध हस्ती बाळकृष्ण कोळहटकर का उनका घर आना हुआ। पिताजी ने विक्रम गोखले को उनसे बात करने को कहा। वे यही चाहते थे कि उनका बेटा भी एक्टिंग करे। तो इस तरह विक्रम गोखले बाळकृष्ण कोळहटकर के साथ रंगमंच की दुनिया से जुड़ गए। कुछ दिन एक्टिंग करने के बाद उन्होंने देखा कि बाळकृष्ण कोळहटकर एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है। स्क्रिप्ट से लेकर लीड एक्टर तक सभी काम वे खुद करते थे। ये देखकर विक्रम गोखले को लगा कि यहाँ वे कुछ सीख नहीं पाएंगे, इसीलिए एक्टिंग की बारीकियाँ सीखने के लिए उन्होंने फ्रीलांसर के रूप में काम करना शुरू किया। यहाँ अगर मराठी फिल्म जगत की बात करें तो बेशक वे महान कलाकारों की सूची में आते हैं। मराठी फिल्म जगत में उनके योगदान की बात करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ इतना ही बताना चाहूँगी कि पिछले 50 साल से वे लगातार एक्टिंग कर रहे थे। 1965 के साल से उन्होंने मराठी रंगमंच पर एक्टिंग करना शुरू किया था, पर 1970 के बाद हिंदी फिल्मों में भी दिखाई देने लगे। ज़्यादातर चरित्र किरदार निभाने वाले विक्रम गोखले कॉमेडी किरदार में भी ढल जाते थे। यहाँ तक अक्षय कुमार की दे दनादन फिल्म में भी उन्होंने कॉमेडी किरदार निभाया है।
नेशनल अवार्ड से लेकर संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से भी वे सम्मानित हो चुके थे। 2015 के बाद वे कभी कभार स्क्रीन पर दिखते थे, तभी से उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। उनका वजन भी धीरे धीरे कम होने लगा था और 26 नवंबर 2022 में उनका देहांत हो गया। विक्रम गोखले के बारे में ये गलत फहमी है कि दूरदर्शन के प्रसिद्ध एक्टर मोहन गोखले उनके भाई हैं, पर उनका और विक्रम गोखले का कोई संबंध नहीं है। एक्टर सुमित राघवन ने भी ट्विटर के जरिए ये बात लोगों को बताई थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।